हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में देख लिया, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में। और हमने सीख लिया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी कि और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी कि हमारी एक अच्छी समझ हो चुकी है। आइए हम लोग अब आगे के क्रम में बढ़ते हैं कि किसी संख्या का कैसे एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़ा उस पर भी हम लोग आज फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। कुछ संख्याएं दी हुई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के बारे में जब बताया था, यानी लघुत्तम समापवर्त, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का फैक्टर, मतलब जो संख्याएं दी होती हैं उनका गुणनखंड किया जाता है, फैक्टर निकाले जाते हैं। फैक्टर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है उसको एक बार लिया जाता है, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होते उनको भी लिया जाता है, उनका मल्टीपल किया जाता है, जो उसका आंसर मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आता है वही वो हो जाता है उसका लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त में हम लोगों ने देखा था क्या कि सवाल जो दिए गए हो शब्द होते हैं या अंक होते हैं उनका हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो जो कॉमन फैक्टर आते हैं सब में, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर आ जाता है, उन कॉमन फैक्टर में जितने कॉमन फैक्टर आए हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर एक कॉमन फैक्टर आया है तो सिर्फ वही, और अगर एक से अधिक कॉमन फैक्टर आए हैं सब में तो उनका आपस में गुणा करते हैं, और वो संख्या जो निकल के आती है वो हम लोगों का मसा होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आज देखेंगे कि कैसे किसी संख्या का लसा निकाला जाए जब उसका मसा दिया हो और एक संख पहली और दूसरी संख्या दी हो, ये फार्मूला भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग मसा के बारे में निकालना भी सीखेंगे, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो और संख्या का लसा दिया हो तो हम लोग मसा निकालना सीखेंगे। ये फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था, उसमें आज इसी फार्मूले पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। अरे भाई गजब की बात है, जो लगातार दी हुई संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या है उनका मान निकालना है। लीजिए भाई, प्राकृतिक संख्या बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो सारी संख्याएं क्या है सब प्राकृतिक संख्या है। क्लियर, प्राकृतिक संख्या यहां पर दे रहा है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या उठा लीजिए। अब मान लो हम लोग कुछ भी उठा लेते हैं, मान लो यहां पर आगे लिखेंगे 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे लगातार जो संख्याएं वो सब क्या प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दो प्राकृतिक लगातार, मतलब कि जो कंटिन्यूअसली हो, जैसे 1, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 लगातार जो संख्या यही कंटिन्यूअसली है, इन लोगों का पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं का, एक चाहे इसको याद कर लीजिए और चाहे मैं इसको सूत्र पर भी आपको बता, मतलब इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर पूछे मसा तो हमेशा एक ही होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मसा हमेशा एक ही होगा। ठीक है, कैसे होगा जरा देखिएगा। मान लिया जाए हम 2, 3 का ले लेते हैं, 2, 3 का मासा, अगर मान लो 2 और 3 का मासा पूछता है क्या होगा, अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं, चूंकि लगातार ये प्राकृतिक संख्या है तो कह रहा है दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं, तो ये क्या लगातार प्राकृतिक संख्या है ना। तो चाहे मान लो 3, 4 हो जाएगा तो भी लगातार हो गया, फिर 4, 5 हो गया लगातार हो गया, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए, 6, 7 ले लीजिए लगातार संख्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका जो है हमेशा मासा जो है एक ही होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसकी विधियाँ दो हैं, गुणनखंड करने की विधि भी देख सकते हैं और इसका दो तरीके से, मैं इसको चूंकि छोटा है साथ ही भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि में क्या होता है, दूसरी संख्या में भाग दे दिया जाता है, जो दूसरी संख्या होती है भाग देंगे क्या, 2 एकन्नम 2 जाएगा, 1 बचेगा शेष, अब 1 बचेगा फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2, यानी कि कितना आया, 1 आया ना इसका। अगर इस तरह से दूसरा फैक्टर करके देखते हैं कि गुणनखंड विधि का, तो 2 एकन्नम 2 1 हो जाएगा, फिर 3 से अगर मान लो फैक्टर 3 का देखते हैं तो 3 एकन्नम 3 एक बार जाएगा, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो कॉमन क्या होगा, 1 हो जाएगा इसमें से, इसमें भी देखिए 1 हुआ। इसी तरह से 3, 4 में अगर हम देखेंगे बेटा, तो 3, 4 की स्थिति में देखेंगे 3 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए, 3 एकन्नम 3 1 हो गया, फिर उसके बाद 4 का करेंगे तो 2, 2 दूनी के 4 1 हो गया, यानी एक ही कॉमन मिल रहा है दोनों में। ठीक है, या भाग विधि से देखिए, 3, 4 में भाग विधि का देख लीजिए, 3 से 4 का भाग दे देंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा क्या 1, 1 से भाग में 3 में देंगे तो 3 एकन्नम 3 चला जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा कट जाएगा, तब ये 1, 3 या 3 भाग जाएगा तो 3 बार हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 1 होगा। यानी हमेशा
प्राकृतिक संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान मतलब मसा हमेशा एक होगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो, मान लो अगर संख्या दे रहा है हमारा, यहाँ तो मैंने एक दो तीन चार पाँच ले लिया, अगर मान लो कोई संख्या लिख करके दे दे, एग्जाम में दे दे कि इसका मसा क्या होगा, जब भी आप देखिएगा लगातार संख्या अगर लिखी होगी, अगर नहीं भी बताता है कि वो लगातार प्राकृतिक संख्या, मान लो कह रहा है 10 और 11 ऐसे दे दिया है, या दे दिया है 11 या 12 का मासा, बताइए मासा बताइए क्या होगा, तो देखकर ही क्या लग रहा है, ये लगातार प्राकृतिक संख्या दिख रही है आपको, लगातार प्राकृतिक संख्या दिख रही है ना, कहा नहीं एग्जाम में भले ही कि ये लगातार प्राकृतिक संख्या, लेकिन लगातार है ना, तो इसका हमेशा क्या होगा, मासा एक ही होगा। कैसे, जरा देखते हैं इसको, मान लीजिए 10 है यहाँ पर, तो 10 का दो विधि है, 10 की भाग करके देखिए, भाग विधि का प्रयोग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 * 10 हो गया, ठीक है, एक बच्चा भागा 10, इसको फिर से भाग लेके दे देते हैं यहाँ पे 10, तो 10 बार जाएगा इसका, 10 × 10 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आया, एक आया कि नहीं आया इसका। दूसरी विधि देख लीजिए इसकी, जैसे गुणनखंड विधि देख लेते हैं, 10 का कर लेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 * 5, ठीक है, अब क्या एक आया, यहाँ पर देखिए 11 का कर लीजिए, तो 11 किसी से कटेगा नहीं, एक ही कटेगा, 11 * 11 तो एक आया, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या 1 है ना, कॉमन जो होता है वही हो जाता है, ठीक, तो सबका हो गया क्या, इसमें क्या लगातार यहाँ पूछे 10 और 11 का पूछे मासा क्या है, तो देखते ही लगातार प्राकृतिक संख्या तुरंत बताएंगे एक होगा। 11 12 का दे रहा है, 12 13 कुछ भी दे देगा, उसका भी देख लीजिए, 11 का भाग विधि बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, देखिए 11 से 12 का भाग दे देंगे तो 11 * 11 हो जाएगा बेटा, एक आएगा, फिर 11 का फिर इस वाले का भाग इसमें दिया जाता है, 11 में भाग दे देंगे तो 11 बार जाएगा, 31 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को आप लोग, कितना होगा एक होगा, क्लियर, हमेशा मासा इसका क्या होगा एक, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान हमेशा मासा हमेशा एक होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ रह नहीं गया इसमें, बाकी चीज़ें देख लेते हैं, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, खूब इंजॉय करिए, मैथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मैथ में, अब यकीन होने लगा होगा थोड़ा थोड़ा सा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, 216 है, यदि उसका मासा 6 हो तो लसा ज्ञात कीजिए। अब क्या है देखिए, एक सूत्र मैंने आपको बताया था लसा वाले फार्मूले में, क्या लसा अगर निकालना हो, लसा निकालना हो किसी संख्या से, पूछा क्या है लसा ज्ञात कीजिए, किसी संख्या का लसा पूछ रहा है, तो लसा बराबर क्या फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मशा, यही होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटे मासा होता है लसा के फार्मूले में, और अगर मासा होता है, मैंने क्या बताया, तो अगर मासा होगा तो यहाँ मासा हो जाएगा, यहाँ बटे लसा होगा, कुछ अंतर होता नहीं है, सिर्फ इतना अंतर होता है, तो लसा पूछा है बेटा। अब यहाँ पर देखो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मान कितना होगा, ये मतलब इंटू बटे मासा होता था तब लसा निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है बेटा, इंटू ही तो होता है, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, इंटू, तो यानी 200 दे रहा है, 216 बटे क्या दे रहा है मासा का बारे में, दो संख्याओं का गुणनफल 216, गुणनफल मतलब देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याएं कह दिया, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल दे दे रहा है, यानी बिना गुणा किए ही आपको संख्या मिल गई है वो, ठीक है। उनका मासा 6 है, उनका मासा कह रहा है 6 है, तो संख्या का लसा निकालिए, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा इसमें से, काट लीजिए, देखिए कटता है कि नहीं कटता है, जितनी बार भी जाएगा इसका वही इसका मासा निकल करके आ जाएगा आपका, देखिए 2 × 2 = 16, 2 × 9 = 18, नहीं सॉरी 6 × 3 = 18, 6 से भाग दे रहे ना, 6 × 6 = 18 यहाँ पर जाएगा, 20 में भाग देंगे आप, 21 से ज़्यादा ना हो तो 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18 तीन बार जाएगा, बचेगा कितना बेटा आपका, 18 हो रहा है तो 21 × 3 = 36 हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 31 हो यानी 36 आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा मासा, लसा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, किसी संख्या का सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है, ये 36 आपका आंसर हुआ, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा 100% उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं इसकी भी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मासा 16, लसा 160, यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब फार्मूला क्या है, हमको लसा मासा दिया है, संख्या दे रहा बताना है, तो अगर लसा के फार्मूले पे ही लगाते हैं लसा, ठीक है, लसा बराबर पहली संख्या, ये फार्मूला हमारा है, इनटू दूसरी संख्या
ठीक है, दूसरी संख्या बटे मौसा है, ये फार्मूला हमारा है। ठीक है, जब दोनों दिया रहे और पूछेगा 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की, संख्या ज्ञात करने के बारे में कह रहा है, तो लसा दोनों संख्याओं का मौसा, मौसा का बराबर कह रहा है 16 कह रहा है, ठीक है, और कह रहा है लसा 160 कह रहा है, लसा 160 हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एक संख्या 32 दे रहा है, मान लो पहली संख्या 32 दे दे रहा है, कोई कुछ भी कर सकते हैं, जब कह रहा है एक संख्या मैंने पहली संख्या है, दूसरी संख्या कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है, तो कुछ भी दे दे रहा है, पर उसके बाद दूसरी संख्या हो जा रहा है, यही आपको करना है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, इसका करने का एक विधि होता है, बटे एक होता है, इसका त्रियक गुणा करेंगे, यानी कि इसमें इधर आ जाएगा, यानी 32 गुणे दूसरी संख्या, ये होता है पूरी, यहाँ पर संख्या होगा, ठीक है, संख्या, और इसके बराबर करेंगे तो 160 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या जब करेंगे बेटा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 160 गुणे 16 बटे 32, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, दूसरी संख्या मिल जाएगी, 16 दुनी के 32 दो हो गया, दो से फिर काट दीजिए, दो से काटेंगे तो 8 दुनी के 16 8 80 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 80। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 80। अगर यकीन नहीं आता है तो इस पे आप कोई एक संख्या साइलेंट कर लीजिए, उन लसा को मतलब गायब कर लीजिए या मासा को गायब कर लीजिए और इसको दूसरी संख्या के जगह पर रख करके देख लीजिए, आंसर साल वही होने पे आपका आएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अब भिन्न तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें इसके अलावा क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक है, यानी कि लसा मासा, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त मतलब लसा मासा, यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत होगा, दोनों संख्याओं का औसत होगा। देखिए बेटा, इसमें प्रश्न में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, जैसे आज तक क्वेश्चन करने अभी तक करते आए हैं वैसे ही सेम इस कंडीशन में भी, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा आगे आपको बढ़ना होगा। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त क्रमशः है इतना इतना है, यानी कि लसा मासा दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि संख्या 24 हो, ठीक है, एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला आपको पता है, फार्मूले में क्या है, चाहे आप मासा बराबर लसा गुणे लसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा करिए, या मासा बराबर अगर करना है तो मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे लसा, कुछ भी करिए, दोनों में फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंटू के साथ में है तो दोनों इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत क्या करेंगे, पहले पहली संख्या निकालेंगे, मतलब एक संख्या दी हुई दूसरी संख्या निकालेंगे, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और दोनों की संख्याओं को जोड़ने के बाद में बटे दो करेंगे, यानी दो से भाग देंगे और जितना आएगा वही उसका औसत होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, तो इसका फार्मूला वही है, इसमें दोनों संख्याएं दी क्रमशः लसा, तो मैं लसा के फार्मूले पे लगा रहा हूँ, लसा के, या वैसे मैं यहाँ पे मासा करिए आप तो ज़्यादा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, लसा कर सकते हैं तो भी करेंगे तब भी आएगा बेटा, मासा करेंगे तब भी आएगा, पूछिए कैसे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक बार लसा मानी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस फार्मूले को आपको बस दिमाग में रख देना है, लसा का फार्मूला याद है या मासा का फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूले पे रखेंगे निकल के आपको आंसर आना ही आना है। कैसे, देखिए एक बार मैंने लसा लिखा, तो लसा के फार्मूले पे लिख रहा है क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, पहले संख्या दूसरी संख्या, शॉर्ट में आपको करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फिर मौसा आपका है, ठीक है, मौसा ये फार्मूला है, तो देखिए जरा इसमें सेट करके देखते हैं क्या आएगा कि नहीं आएगा, दूसरी पहली संख्या दे रहा है ना, यहाँ पर ऐसे अचर पद लिखिए वरना संख्या लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई कर लीजिए, ठीक है, एक्स वाई मान लीजिए तब भी आपका हो जाएगा, अब मान लो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इस तरह से करेंगे तब भी आएगा, लेकिन आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो लसा के बराबर अगर दे रहा है यहाँ पर, मैंने माना है आपको, तो लसा क्या कह रहा है क्रमशः, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त यहाँ पे दिया है पहले, ये महत्तम समापवर्त, जो छोटी संख्या होती है हमेशा जाने रखिएगा वो महत्तम समापवर्त होती है, जो गुणे में बड़ी संख्या हो हमेशा लसा ही होती है। तो लसा यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर कितना कह रहा है 600 कह रहा है, और एक उसके बाद में कह रहा है पहली संख्या जो 24 कह रहा है, और x के मान ले, मालूम x की जगह पहली संख्या घूमने माना x, तो 24 हो गया, अब इंटू है y मान लिया हमने, ठीक है, बटे में हमको क्या करना है कि जो हमारा मासा है तो 12 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वही होगा, देखिए ये इसके साथ ही गुणा होगा, तो अगर हम यहाँ पर हम थोड़ी स्पीड के साथ करें तो 12 का गुणा इसमें करें, 12 छक 72, तो 7200 हो जाएगा ये बेटा, 7200 बराबर 24y हो जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, 7200 बटे 24, ठीक है, काट देंगे इसको, दो से आप काटिए,
सरलतम आप करते चले जाएंगे तो सॉल्व आपका होता चला जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए गाइस 12 हो जाएगा पहले और इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 31 करेंगे 6 हो जाएगा इसका, और इसको और करेंगे आप तो 18 दूनी 36 होता है तो 1800 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से करते चले जाएंगे, अब 6 3 18 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा आंसर आपका, 300 आएगा। देखिए इसमें 300 आया आपका आंसर ना, बटे अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये तो आपका मतलब तीसरी, मतलब आपकी कौन सी संख्या प्राप्त हुई, ये वाई वाला का मान प्राप्त हुआ, ये मतलब वाई बराबर 300 आपको मिला। लेकिन अगर दूसरे फार्मूले पर अगर आप लगा देंगे बेटा तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। मैथ कुछ नहीं है, मैथ मतलब सेट करने का मतलब है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने मां सब पहले कर दिया तो इसके मतलब भी होता है यही ना। तो यहां मैं पहले लिख दे रहा हूं पहली संख्या, वरना भ्रमित हो सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है बेटा। यहाँ एक्स वाई मैंने माना था बेटा, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा लिखने के जगह पे मैंने एक्स वाई कर दिया था, समझ रहे हैं ना। जो बच्चे पहली बार मैथ सीख रहे हैं बिल्कुल ना डरेंगे, ठीक है। ये एक्स बराबर पहली संख्या, वाई बराबर दूसरी संख्या मैंने मान लिया था, इस नाते यहाँ रखा है, ये लिखना नहीं पड़ता था इतना, इस नाते माना था, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर लॉ सा होगा, इस पर भी देखेंगे तभी 300 ही आंसर आएगा आपका। लॉ श, देखिए कैसे आता है बेटा। अब देखिए मासा दिया है, मासा हमेशा छोटा होता है, मासा क्या 12 होगा, 12 दे रहा है। पहली संख्या क्या रहा, 24 दे रहा था, ठीक है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी तो लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्लियर, दूसरी संख्या हमने लिख ली। बटे में हमने क्या लॉस आके पर यहाँ पर लिखेंगे ना 600 हो जाएगा, ठीक। बात तो ही हो गई ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए यही चीज़ हो जाएगी, 12 6 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 × 600 क्या 7200 हो गया कि नहीं हो गया भाई, देखिए। और फिर क्या होगा, 24 दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, 24 इंटू दूसरी संख्या, बात वही हो गई। अब इसके बाद करेंगे क्या 7200 हो गया, अब 7200 हो गया, 24 दूसरी संख्या। अब इसको हम कर दूसरी संख्या करनी, यहाँ पे इधर ले आए हम लोग या पूरी संख्या को ले आएगी यहाँ पे, नहीं तो अभी कन्फ्यूज हो जाएंगे। दूसरी 24 दूसरी संख्या बराबर 7200, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे, 24 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या, अब 7200 × 24 हो जाएगा, वही चीज़ सेम, देखिए आई कि नहीं आई, कोई भी फार्मूला आपने लगाया बात वही हो गई आपकी। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा, क्लियर। यानी दूसरी संख्या 300 हो गई, श्योर हो गया, क्लियर। अब देखिए पूछा है इसमें क्या, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे दो। औसत निकालना, किसी का एवरेज निकालना, किसी संख्या का औसत निकालना हो, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला और भी बता देते हैं जो आगे आपको काम पड़ेगा। किसी संख्या का औसत कहे, अगर वो संख्याएं 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं कुछ भी हैं, ठीक है, कोई भी संख्या औसत में सिखा रहा हूँ अभी, औसत जो आगे आप पढ़ेंगे औसत यही जान लीजिए, चूंकि यहाँ पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। औसत का मतलब है, मान लो कोई संख्या जैसे यहाँ पे 24 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 300 है, ठीक है, और मान लो कोई संख्या 500 होती, कोई संख्या 600 होती, ऐसे चार संख्या, तो पूछता औसत क्या है, तो क्या करते हैं टोटल संख्याओं को जोड़ते हैं और बटे जितनी संख्या है उसे भाग देते हैं, ये औसत निकलता है। तो यहाँ पर इसका अगर इतनी चार संख्याओं का औसत निकालना हमको है, तो 24 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 600, यहाँ पे सॉरी मैंने 6000 लिख दिया, 600 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 से भाग दे देंगे, जो इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही औसत होगा, ठीक है। जो सॉल्व करेंगे इसका औसत होगा। औसत का फार्मूला क्या होता है, जितनी संख्या है संख्याओं का योग बटे संख्याओं, मतलब जो संख्याओं संख्याओं का मतलब संख्याओं का जोड़ बटे कितनी संख्याएं, जितनी संख्याएं उतना, ठीक है, चार संख्याएं बटे चार। तो यहाँ पर हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे, क्या हम लोग सवाल कर रहे थे कि संख्याएं 2 हैं केवल, 24 हैं और 300 हैं, तो इसके लिए फार्मूला वही हम लोग लगाएंगे, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, तो 24 प्लस 300 का योग बटे जितनी संख्याएं हैं उतना, तो एक संख्या दो संख्या बटे दो है, सॉल्व कर देंगे इसको। चलिए देखते हैं, तो 324 हो जाएगा बेटा भागे दो हो जाएगा, दो से यानी दो से काट देते हैं, 16 × 32 हो जाएगा और 2 × 4 देखिए होगा, यही इतना आपका आएगा 162। तो औसत इसका क्या होगा, 162, यही आंसर आपका आ गया होगा, क्लियर। ये है आपका किसी संख्या के औसत के बारे में पूछा लसा के साथ में। उम्मीद है कि आप लोग लसा मसा निकालना, किसी सवाल में अगर दिया हुआ है पहली संख्या या दूसरी संख्या दी हुई है और
लसा दिया है तो मसा निकाल सकते हैं, मसा दिया है तो लसा निकालने की पूछा है तो वो कर सकते हैं, किसी किसी एक संख्या दी हुई है तो कोई एक संख्या निकाल सकते हैं। इतनी अभ्यस्तता आपके अंदर अब आ गई होगी, अब इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे आप और इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ कि मैथ आपका अब आसान होता जा रहा होगा और इंजॉय कर रहे होंगे उसमें। कोई अगर असुविधा होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासा को भी शांत करें। आप लोग अपना प्यार अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, खूब उमंगों के साथ, खूब रोचकता के साथ हम लोग मिल करके आपके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपका सहयोग करते रहेंगे।